Roy. अब आपके ससुराल वालों से परेशान हो गया है, क्या है क्या टॉर्चर हो रहा था, जो आया क्या से क्या मदद चाहती है अक्षरा फाउंडेशन से, पूरी तफसील बताइए। आपका नाम बोलिए। बोलो बेटे, कुछ भी नहीं है, नाम नाम बोलो तुम्हारा, कहाँ से आए? हम बोले थे ना, तुम बोलते थे क्या है? कहीं के लिए आए, क्या चाहने रोने से कुछ बोले तो मालूम होती तकलीफ किसको भी, रोए तो नहीं मालूम होती। तुम रहना चाह रहे हैं, नहीं रहना चाह रहे हैं, किस तरीके से छुड़ा देना चाह रहे हैं? बोलो बोलो। बोलो बोलो, तफसील में क्या क्या है, क्या नहीं? शादी हुई कितने साल हो रहा? दो साल हुआ शादी होगी बच्ची। कब छोड़ा वो लेके आके? लाके छोड़ दिया इससे पहले, साल भर की बच्ची को हमेशा नहीं लेता हमें, साल भर छोड़ दिया, नाम ले लिया कुछ दोस्त के बाद थोड़ा लड़ाई झगड़े हो गए तो भेज गया, तो मैं तुम लोग के जरिए से तुम लोग को बुला कर दूँ, कोर्ट में बुलाए मैडम का सामना लिए लेके हम लोगों को नीचे दिखाए, वो कभी बात नहीं चुके, किसी को बच्ची बात में मजबूर कर दिए, टॉर्चर कर दिए, फोन अदा करके तुम आ जाओ, फैमिली के भटका हुए आ रही, तुम्हारे माँ बाप अच्छे नहीं है, तुम्हारे भाई बहन अच्छे नहीं है, भाई अच्छे नहीं है, सब बोले हो, पूरे फैमिली को बदनाम करती हो, बदला उतार करके बच्ची को भटकाए, तो बच्ची बोली अभी मेरे को एक चांस दो, कल हाथा पाँव पड़ रही है, एक बार जाकर देखती हूँ लोगों को कितना वो कर रही, फोर्स कर रही, मैं चाहती हूँ एक बार होना जाकर देखती हूँ, अगर आपके बार भी अच्छा करें तो मैं दूसरी जगह से मदद ले लेती किससे, तो ठीक है बेटी अच्छा होगा, क्योंकि वाली सब मैं समझाई बात करके बोली करी, ठीक है बेटे कोर्ट में फैसला आ रहा हूँ, मैडम भी बोली देखो मेरा औरत बच्ची का मसला है, आप बोल रहे हैं जाते हो, मगर हमारे को टाइम दो, महीने दो महीने बच्ची को चार दिन छोड़ना, बोले तो ठीक है अच्छी बात है छोड़ दे, बोलिए बोलिए बोले फिर अभी मान लो कोर्ट के जरिए से तो बच्चे को छोड़ना था, नहीं छोड़े बच्चे को, जब भी चार महीने तक बच्ची उनके पास नहीं छोड़े, फिर हम मजबूर हैं बच्ची बोले बेटे फोन तो भी कर, बेचैनी हो रही है वहाँ, तकलीफ हो रही, हम लोग को आना जाना भी नहीं हो रही, तेरी सास अब कैसा मालूम होना कि बच्ची है मर गई जिंदा है क्या है, कैसा मालूम होना, बोले बोले तो हाँ अम्मी मैं अच्छी छूँ सुकून से छूँ, फिर दूसरी तरफ बात फोन करके बोले बच्ची नहीं अम्मी अम्मी आई तो जाने का चाहिए मेरे को, अब रात दिन भी साथ नहीं दे रहे मेरे, मैं बहुत परेशान हूँ भैया को भी जाऊँ मैं आ जाऊँ, तुम्हारा बच्चा बड़ा बेटा क्या बोला फोन ही फोन कर ले, क्या बात है भैया बच्ची है मैं तुम्हें फोन कर ली, क्या करना क्या नहीं ऐसा आओ बोले तो, अरे बहन बोली तो तुम आ जाते क्या बहन, अरे भाई आने से पड़ता मेरी बहन है कैसी है क्या है बोलिए, मेरे को आने से पड़ता नहीं, नहीं असल ऐसा आते नहीं आना, बुलाते से आ जाते क्या मेरे को, बच्ची असल ऐसा फोन करते नहीं आना, अब फिर तुम कभी बच्चा हमारा शरीफ है
मेरी जिद जब यहाँ से मैं क्या कर पाऊँ, मैं जब बुला जब तब घर को खत्म नहीं रहना, पलट के नजर ना करो। सास भी बोल रही नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, कोई सास टॉर्चर कर रहा बच्ची को, हर चीज से परेशान, बर्तन धोए तो आवाज नहीं आना, सुबह 6 बजे झाड़ू मारा पूरा ऊपर लगाओ बच्ची का नाम रहेगा, उनकी बेटियाँ खाली पकाते पकाते रख देते काम का नाले भी, बच्ची चूल्हा साफ करना, बर्तन धोना, पार्टनर बनना, बेसन बेसन धोना, वाशरूम धोना, सब बच्ची से करना, फिर उनकी बेटी तब पकाई तो पकाई पकाई होगी ना, वो बर्तन धोए तो आवाज़ नहीं आना, ये काम का उसूल है, इंसाफ है, अगर चूल्हा हाथ में है बच्ची बर्तन धो रही काम करी तो आवाज़ आएंगी ना, नहीं आवाज़ आना तो बर्तन धोएगी, सांस धो रही है सब तेल डाल के रखो, बर्तन धोए तो आवाज़ नहीं आना, हर बात से बच्ची को पागल की है, उनको भी बेटियाँ हैं, अगर हमारे बच्ची को तब जुलूम परेशान करते हैं, शाम तक कोई बात नहीं करते, जाके वो बड़ी बेटी फंसे हुई है एग्जाम, वो बेटी के कमरे में जाके बैठ जाती है, अम्मा बैठ जाती है, ये बच्ची अकेली सन्नासी ऐसा पड़ी थी ना घर में, ये बच्ची कोई पूछने वाला ही नहीं है, खाना खाई पी नहीं क्या करूँ, कोई पूछने वाला नहीं है बच्ची को, नंदों की भी शादियाँ हो गई होंगे, हाँ अपना अपन जाके कमरे में बैठ जाती है, नंदों की शादियाँ हो गई, आप एक नंद की शादी थी, दो नंदा बैठे हैं, उन्होंने भी घर में थे, शादी शुदा भी घर में है, दामाद भी है, उनको दो बच्चे भी है, उन्होंने भी घर में थे, अब वो क्या पिलानी है क्या है कि वो बच्ची को एक नजर में देख सक रहे, हर वक्त में अभी को अभी को अम्मी को घूर के देख रही, अम्मी को जवाब दे रही, तो शादी में उतना हम कोई थी बच्ची को, अम्मी को हमारे घूर के देख रही, उंगलियाँ डाल के धीरे निकाल देती हूँ, क्या पास से घूर के देख रही हमारी अम्मी को, इधर के कभी सुट्टा पर ली गई क्या आके बस गए यहाँ पर, ऐसा हर बस से टॉर्चर 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 की घर की पूरी फैमिली टॉर्चर कर रही है हमारी बच्ची को, ठीक है भैया अब हम आपके पास इसके वास्ते आइए मदद के वास्ते है, हमारी बच्ची को इंसाफ होना और जो भी है उनको दंड भी देना, हमारी बच्ची उनकी जिंदगी से हटनी चाहना, हम अब बच्ची को छुड़ा लेना चाह रहे हैं, हम हटना नहीं चाहते, तो बच्ची पर सुनाई से अलग, अगर मैडम आप लोग देखते तो बोल रहे बच्ची वाली साहब को होता तो सलाम करके तो नीचे गिर गई बच्ची, ऐसी हालत में थी बच्ची, अगर खुदा हमारे साथ एक महीना भी अगर बच्ची को नहीं लाता भाई चाहते तो बच्ची मर भी सकती थी, अब इसको जिम्मेदार कौन है, उन्हें ला के मेरी बच्ची को देती क्या, उसको खड़ा करके पूछा उसके ऊपर उसकी बेटी के ऊपर सुनूंगा तो जब क्या करती हूँ थोड़ा तो, और मेरे को तो लखत्तर बात तुम्हारी अम्मा ऐसी है तुम्हारे भाई ऐसे है, अगर हम क्या है कि लोग देख रहे हमारी बातें हम क्या है, सो हम शराफत के लिए खामोश बैठ रहे हैं और कुछ भी नहीं, चाहे तो मेरे बच्चे जाके लड़ाई झगड़ा कर सकते, मगर फिर भी हम शराफत के लिए खाम रहे हैं, और बच्ची का मसला है आज नहीं कल सुधर जाएंगे तो और सुधरना ना हमें नहीं होगा, तो मारा थोड़ी सुबह 6 बजे उठा लिखा देना अपने लड़के को 9 बजे तक सिलाना, फिर पूरा काम बच्ची पकाने को सुधर नहीं तो पकाने के खा भी नहीं तो चलेगा नहीं आना, तो ये घर की बड़ी बहू है नौकरानी है, चूल्हे का नहीं जाना तो क्या मतलब है, बहू नहीं तो चूल्हे का जाती ना मैडम, नहीं जाना मैडम चूल्हे का नहीं बहू नहीं जाना, क्योंकि बेटी जाना खाली अभी तुरी अहन पर सवाल, और एक बात दूसरी बात ये है शावर का भी बहुत पहुँचा है अंदर सुनेगा, वो फिखर से जल्दी जैसा कि अब शावर है अपना 10:30-11 बजे काम पे जाकर शावर, उसके बाद में तो अपनी बीवी का नाम पूछता था क्या है क्या नहीं, आप दिन भर क्या करें क्या पकाए क्या खाए, पेड़ों का रवैया कैसा था क्या, वो अभी नहीं है शावर को आई डी तो उनकी अम्मी का बयान खाने बढ़ जाते 2 बजे 3 बजे अंदर रूम में जाते, वो भी दिन भर आज सोते हैं तो बयान खाने सो जाते, बच्ची को भी साथ नहीं है वो शावर का, कैसी है क्या है जिंदा है मरी तुमको कुछ बीच में सुना दिया तुम्हारी जरूरत है क्या, आप बैठेंगे बात करेंगे कुछ भी हुआ क्या कुछ भी नहीं है वो कुछ भी, अरे शावर को भी साथ दिया ना मेरा तो नंदों का सास का भूल जाती बच्ची, शाम में शावर आया तो मेरा है मैं तुम्हें बोल सकती हूँ, ना सास नंदा है ना ससुरा है ना मरा है कोई देखो, अब यह जिम्मेदारी को बच्ची पैसा भी जाऊँ बोला कि जब तो जिंदगी का मेरा शावर से बोला तुम जा रहे ना अब मैं बुला तक नहीं आना तो मजा नहीं है मेरे घर पर खत्म नहीं करना, तो इसकी वजह क्या है बच्ची शादी करने गई सो है मैं सर पर हाथ पकड़ दी हाथ पकड़ने की सर बोली बात करो सो ये वजह क्या है मैडम बच्ची को सब बोलने की, आप उसको बुला के पूछो वो बंदे को अगर ये वजह क्या है तेरी बीवी है या भाई भाग क्या इसमें क्या हाथ पकड़ लेके तू ऐसा कैसा बोलता बीवी को घर को नहीं आना, हम हमारे ठाट वाले बच्चे का हम मिठा था तो हम बोले बच्ची जाके तुम्हारा सोना भी कपड़े लाओ बोले तुम घर को दी जाए भाई के साथ, तो भाई को खैर अंदर रहता है वो उनकी मर्जी मैडम जान दो हमारा क्या करना है उनकी इज्जत नहीं इससे, मगर बच्चा दरवाजे के बाहर ही ठहरा मेरा वो भी शादीशुदा बेटा है वो बच्चे वाला भाग है नहीं बुलाए, बच्ची गई अंदर जाके बोली जवाब उठाई मेरे भाई का मुँह बैठा है मेरी सास कपड़े भी सोना लेने आ गई तो जाओ ले लो जाओ मेरे बोल दिए, तो बच्ची ले नहीं ले तो पीछे गए आप जाके बोल रहे हैं तुम कैसा अंदर घर में आ गए मेरे को फ़ोन करके आना था तुम कैसा है, तो बच्ची बोली अरे कहीं को फ़ोन करके आऊँ मैं बीवी हूँ मेरे को सामान की जरूरत थी सोना ले जाने का था मैं नहीं, तो हम बोल रहे हैं मेरे को फ़ोन करके आना था तुम ऐसा कैसा है कि आइंदा से ख्याल रखो ये बात का फ़ोन करके आओ मेरे और अब आ गए आगे आइंदा से नहीं आना जब तक मैं निकला जब तक नहीं आना फ़ोन क्या करके मैं देखिए नहीं आना तुम घर में,
पैसे रख लो अच्छे भाई को आप जा रहे हो रहे भाई का पैसा रखो ऐसा बोलता नहीं घर को आने से बोलता शौहर शौहर की जिम्मेदारी है नहीं है शासन लोग शौहर की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो अभी बच्चे को क्या क्या करना मार देना बच्चे को मर जाओ बोल देना ऐसा है मसला तो मैडम आपके पास आने का मतलब ये है मेरी बच्ची की जान का भरोसा नहीं है मैं बच्ची को भेजती नहीं